हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि। वेलकम टू माय चैनल आरएसडी गिटार स्टोरीज, जहां हम सीखते हैं गिटार और म्यूजिक थ्योरी के बारे में। ये मेरा फिफ्थ एपिसोड है इसी सीरीज़ का। अगर आप लोगों ने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर देख लेते हैं तो आज का एपिसोड समझने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप माइनर स्केल के बारे में जानते हैं तो नहीं देखने से भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मुश्किल होता है आपको समझने में तो मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो से आपका थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस एंड डू कमेंट। और उसी को बोल के हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, तो लेट्स तो अभी हम देखते हैं कि माइनर स्केल हम लोग को कैसे मिलता है। उससे पहले मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मेजर स्केल को। मेजर स्केल में क्या था, अगर मैं सी स्केल में देखूँ तो मेजर स्केल में था सी डी ई एफ जी ए बी सी। उसका एक फॉर्मूला था टोन टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि उसको हम नंबरिंग सिस्टम से भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। और माइनर स्केल, हम लोग को माइनर स्केल मिलना बहुत ही ईजी है। आप सिर्फ थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ नोट को आप फ्लैट कर दीजिए। फ्लैट कर दीजिए मतलब एक एक सेमीटोन पीछे लेके आइए तो आपका माइनर स्केल मिल जाएगा। जैसे कि सी स्केल में हम लोग का था, मेजर स्केल में हम लोग का किया था सी डी ई, थर्ड नोट ई है, तो माइनर स्केल में क्या हो जाएगा, सी डी ई फ्लैट हो जाएगा नोट। ओके, द थर्ड इज फ्लैट। वैसे ही ये छह नंबर जो नोट है, दैट इज ए इन द मेजर स्केल एंड ए फ्लैट इन द माइनर स्केल। ये सेवन्थ है, यहाँ पे बी फ्लैट हो जाएगा। तो हर एक स्केल में अगर आप देखते हैं कि आप डी मेजर का भी नोट निकाल के और वहाँ से अगर थर्ड सिक्स्थ और सेवन नोट को एक एक नोट फ्लैट कर दे तो आपका माइनर स्केल मिल जाएगा। और जैसे कि मेजर स्केल में टोन टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन था, एक इंटरवेलिक फॉर्मूला था, वैसे ही हम लोग का माइनर स्केल में भी हम लोग एक इंटरवेलिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो उसका होता है टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन टोन टोन। हर एक नोट का जो डिस्टेंस है, अगर आपको ये इंटरवल पता नहीं है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए इंटरवल का, सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि जो मेजर स्केल है, मेजर स्केल क्या था, हम लोग हिंदुस्तानी में अगर हम उसको कंपेयर करके देखें तो हम लोग को मिलता है सारे गामा पाधानी। इसको ही अगर माइनर स्केल को अगर हम हिंदुस्तानी के साथ कंपेयर करके देखें तो हम लोग को मिलेगा सारे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और फिर से सा। इसी स्केल को हम लोग गिटार में हम लोग कैसे बजाएंगे, आइए देख लेते हैं। पहले मैं इंटरवेलिक फॉर्मूला से मैं दिखा देता हूँ, जो था टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन टोन टोन। सी से हम लोग को एक टोन जाना पड़ेगा, सी, दिस इज द सी नोट, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट में ये सी नोट है, ओपन बी है तो ये सी होगा। ओके, तो सी डी ई फ्लैट, यहाँ से यहाँ सेमी टोन, उसके बाद एफ जी बी फ्लैट, फिर से सी। ओके, एक ही स्ट्रिंग में मैं दिखा रहा हूँ, फिर से मैं बजा रहा हूँ। ओके, तो ये आपका माइनर स्केल हो गया सी में। सेम फॉर्मूला आप अगर यूज करते हैं और मान लीजिए कि आपको एफ माइनर चाहिए तो एफ नोट को पकड़ लीजिए और वहाँ से ये एफ नोट है, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट में आपका एफ है, वहाँ से सेम फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका एफ माइनर स्केल आ जाएगा। तो वहाँ पे कैसा होगा आपका, ठीक है, तो दिस इज योर एफ माइनर स्केल। कोई भी एक नोट पकड़ लीजिए और वही सेम फॉर्मूला आप यूज कर कीजिए तो आपका वो माइनर निकल जाएगा। इट्स वेरी इजी एक्चुअली। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए और फिर से और एक वीडियो बना के समझाने के लिए कोशिश करूँगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। वही बोल के बाय।